हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएन नीट टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में जीएसई फोर्थ लेक्चर होगा और आज हम लोग कार्बन आयन, कार्बोकेट आयन और फ्री रेडिकल के प्रॉपर्टी प्लस जियो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाएगा। प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है उसको एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक के द्वारा हम लोग याद करेंगे। लोग इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको फ्री रेडिकल कैसे बनता है, फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको सबको डीपली मतलब समझाया हुआ था। आज उसको समरी करके लिखाएंगे और इंडक्टिव इफेक्ट का प्लस आई और माइनस आई का एक इमेजिंग टेक्निक के द्वारा आपको बताएंगे कि इसको याद कैसे करेंगे लोग, वही पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे कोई पूछता है कि सर फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेट आयन क्या होता है और कार्बन आयन क्या होता है। तो इसका सही और सिंपल आंसर देंगे कि अच्छे से समझने के लिए इसका जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है थर्ड नंबर जीओसी उसको जरूर देख लीजिएगा और 56 मिनट का वीडियो है, उसमें बेटर तरीके से पढ़ाया गया। अभी हम लोग सर सिंपल में आपको इतना बोल सकते हैं सर फ्री रेडिकल कब कहेंगे, जब एक कार्बन होगा और तीन बॉन्ड बनाया होगा और एक वहां पे क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्री रेडिकल बोलेंगे। सर कार्बोकेट आयन कब बोलेंगे, जब एक कार्बन होगा तीन वो बॉन्ड बनाया होगा और एक इस पे प्लस चार्ज होगा, कार्बन पे ही प्लस चार्ज होगा तो उसको कार्बोकेट आयन बोलेंगे। सर कार्बन आयन कब बोलेंगे, जब एक कार्बन होगा उसके तीन साइड हैवी बॉन्ड बनाया होगा और एक इस पे माइनस चार्ज होगा तो उसको हम लोग कार्बन आयन बोलेंगे। तो सर हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे। सर होमोलिटिक क्या होता है, जब हम लोग बॉन्ड को इक्वली तोड़ते हैं लोग, जैसे मैं दो एटम हो गया ए और बी हो गया, पिछला लेक्चर देखिए लोग बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसको हम लोग कैसे बनाया, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, इस बॉन्ड को हम लोग इक्वली तोड़ेंगे लोग तो फ्री रेडिकल बनेगा और अनइक्वल और हेट्रोलिटिक तोड़ेंगे तो क्या बनेगा कार्बोकेट आयन बनेगा। तो देख लीजिएगा यार यहाँ हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो यह सर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है या दोनों का दोनों हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है, इतना आपको याद हो गया, समझ में आ गया होगा कि सर फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से और कार्बोकेट आयन और कार्बन आयन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से। अभी हम लोग देखेंगे तो सर इसके लास्ट सेल में जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री रेडिकल में कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे सर हमको पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, दो, एक अपना होगा और एक पड़ोसी का होगा, मतलब यहाँ जो भी एटम होगा उसका तो कुछ ना कुछ होगा। तो सर इसमें दो होगा, इसमें भी दो होगा और इसमें भी दो होगा और एक यहाँ पे है। तो फ्री रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ लिखा गया इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। सर कार्बोकेट आयन में दो यहाँ और दो यहाँ, 6 हुआ और सर एक प्लस है एक माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको बताया था कि यहाँ माइनस नहीं करते हैं लोग, क्योंकि प्लस कहाँ से है, यहाँ जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया, यानी कि यहाँ वाला तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे, तो फिर माइनस और प्लस करने की कोई जरूरत नहीं। तो कार्बोकेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस है और सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि दो गो और दो गो दो गो और यहाँ एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, दो, एक अपना होता है और एक उसके लेके आते हैं लोग, तो एक माइनस में कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, एक खुद का होता है और एक किसी एक से लेके आते हैं। तो सर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, लास्ट सेल में, तो कोई भी फ्री रेडिकल है तो बना कैसे होगा, होमोलिटिक होमोलाइसिस के दौरान उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई कार्बोकेट आयन है तो यह कैसे बना होगा, हेट्रोलिटिक के द्वारा और इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और यह कार्बन आयन कब बनेगा, तो भी हेट्रोलिटिक के द्वारा और इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सर हमको पता है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। सर देखिए यहाँ 6 है यहाँ 7 है, सर दोनों 8 से कम होता है, जब दोनों 8 से कम है यानी कि क्या होगा, हम लोग और चाहिए यानी कि इसको गरीब मानेंगे लोग। मान लीजिए ऐसे मानना है कि हमारे समाज में जिसके पास 8 है वह अमीर व्यक्ति कहलाएगा, मतलब वह स्टेबल व्यक्ति कहलाएगा, उसको खाने पीने का टेंशन नहीं होगा।
तो जिसके पास 8 से कम होगा हमारे समाज के अकॉर्डिंग उसको गरीब के कैटेगरी में रख देंगे लोग। तो मान लेंगे लोग कि यहाँ 7 है यहाँ 6 है, अरे दोनों 8 से कम है, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, गरीब बोलेंगे लोग। लेकिन यहाँ 8 है या 8 से ज्यादा होगा तो इसको हम लोग अमीर व्यक्ति के नाम से बोलेंगे लोग, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, मतलब किसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 चाहिए 7 है, ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है क्योंकि 8 चाहिए था 6 है, लेकिन इसको जितना चाहिए उतना है, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। क्योंकि सर इसका 8 चाहिए 8 है तो रिच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको रिच इसलिए बोल रहे हैं किसके पास वो रियल में 7 होता है, एक दूसरे से लेकर क्या है, तो इसलिए इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिफिक कैटेगरी में काउंट करते हैं, क्योंकि ये नया नया अमीर बनना है, इसको थोड़ा उछल कूद ज्यादा करता है, मतलब किसी को जल्दी दान दे देगा क्योंकि इस पे एक माइनस चार्ज है। तो आप बस ऐसे याद रखिए, कार्बन कैटायन हो और फ्री रेडिकल हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और कार्बन है निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप सर देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन यार गरीब है तो किसी को दे तो सकता नहीं है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, एक्सेप्टर। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये तो सर अमीर है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे बाय सिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो कार्बन कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और कार्बन है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लोग सर, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला था आपने बताया था कि वो दो चीज हो सकते हैं, सब चीज कल्पना था, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है और नहीं तो लेविस एसिड हो सकता है, या फिर सर दोनों हो सकता है। कंडीशन क्या था कि सर केवल ऑड और इवन कुछ भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड दोनों कहेंगे, और ओनली ऑड में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो होगा, लेविस एसिड नहीं होगा। क्योंकि लेविस एसिड के लिए कंडीशन क्या बताए थे कि वो वैसा कोई भी स्पेसी जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ना सर, इसके 7 हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है, 1 ले सकता है सर, 1 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। तो कितना भी इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोफाइल पे कहलाएगा, लेकिन इसको लेविस एसिड नहीं कह सकते हैं सर। लेविस एसिड क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पेयर में नहीं ले सकता है, पेयर मतलब जोड़ा 2, 4, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है, इसीलिए इसको क्या लेंगे, कॉन्टेक्टेड लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल तो होगा बट लेविस एसिड नहीं हो सकता है सर। इसके पास 6 है, एक कितना ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 2 सर जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और लेविस एसिड भी होगा। तो यहां हमने क्या सीखा लोग कि जो फ्री रेडिकल होता है सर 7 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, पेयर्ड में नहीं ले सकता है, जोड़ा में नहीं ले सकता है, तो इसको लेविस एसिड नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना तो सर कार्बन कैटायन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं और जोरा में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसको हम लोग लेविस एसिड भी कहेंगे। सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला को हम लोग क्या बोले थे लो, यहाँ भी 2 चीज बोले थे लो, या तो सर दानी जो होता है न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर लेविस बेस हो सकता है, मतलब भिखारी जो होता है 2 चीज होगा, इलेक्ट्रोफाइलिया मतलब इलेक्ट्रोफाइलिया लेविस एसिड, दानी जो होगा वो क्या होगा, वो 2 चीज होगा, इलेक्ट्रो मतलब न्यूक्लियोफाइलिया लेविस बेस। तो सर यह लेविस बेस किसको कहेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे लोग, जो कितना भी इलेक्ट्रॉन को दान दे सकते हैं। सर यह कितना इलेक्ट्रॉन को दान देगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो सर कितना दान दे सकता है, इलेक्ट्रॉन तो 8 को है लेकिन एक को माइनस चार्ज है और एक माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 को, यानी कि सर यह 2 इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है। जितना माइनस चार्ज होगा उतना कोई भी आदमी खुशी से दान कर सकता है, लोन पेयर में सोचते हैं लेकिन माइनस में नहीं सोचते हैं क्योंकि तो चोरी वाला चीज है यार, जल्दी से हटा दो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, यानी कि दान देने वाला क्या कहलाएगा सर, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा और लेविस बेस होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहेंगे लोग और लेविस बेस भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग, देखिए सर 7 को इलेक्ट्रॉन है, अब 7 के आपको पेयर कर सकते हैं, जुड़ा बना सकते हैं, 7 कभी जुड़ा तो होगा नहीं, 2, 4, 6, 8 जुड़ा होता है, 7 कभी जुड़ा तो होता नहीं,
जो जुड़ा नहीं होता उसको ना अनपेयर्ड बोलते हैं। सर छ को जुड़ा बना सकते हैं, ऐसे सोचिए ना, जिसको दो से भाग देंगे ना वही जुड़ा बनेगा ना, पेयर्ड होगा। तो छ दो से भाग लग ही जाएगा तो इसको पेयर्ड कहेंगे लोग। आठ भी सर दो से भाग लग सकता है तो इसको भी हम लोग पेयर्ड कहेंगे लोग। मतलब जिसमें दो से भाग लग जाए उसको पेयर्ड कहेंगे, और जिसमें दो से भाग नहीं लगेगा उसको अनपेयर्ड कहेंगे। हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे सर, जो पेयर्ड होता है उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं लोग, और जो अनपेयर्ड होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं लोग। तो सर सात वाला अनपेयर्ड है, इसको क्या लिखेंगे लोग, पैरामैग्नेटिक, और छ और आठ वाला पेयर्ड है, दोनों का हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मतलब सर हमने क्या सीखा लो, जो फ्री रेडिकल होता है या अनपेयर्ड होता है पैरामैग्नेटिक होता है, कार्बोकैटायन और कार्बन है पेयर्ड होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। अब रही बात हाइब्रिडाइजेशन की, इसके लिए सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपने क्या बताया था, सिग्मा वन प्लस वन पेयर, यानी एक सिग्मा है, दो सिग्मा है, तीन सिग्मा है। सर एक इलेक्ट्रॉन है यार, लोन पेयर कहते हैं, पेयर मतलब जुड़ा में होता है तो काउंट करते हैं, यहाँ जुड़ा में नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। तो सर इसमें कितना होगा टोटल, तीन गो, तीन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एसपी टू। सर यहाँ भी एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। सर यहाँ प्लस है, प्लस में इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल नहीं तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ भी तीन है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे लोग, एसपी टू लिखेंगे। पर सर यहाँ देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और एक यहाँ माइनस है, माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ कितना आएगा, तीन वो सिग्मा बने, एक लोन पेयर, चार, और चार के लिए हम क्या लिखते हैं, एसपी थ्री। मीन्स हमने क्या देखे लो कि सर थ्री रेडिकल जो होगा एसपी टू हाइब्रिडाइज होगा, कार्बोकैटायन भी एसपी टू हाइब्रिडाइज होगा, बट कार्बन एन क्या होगा, एसपी थ्री हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि उसके पास तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है। सर जो एसपी टू होता है आपको क्या बताया था, ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं लोग। तो सर यह ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा, कार्बोकैटायन का भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जबकि इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे लोग, पिरामिडल शेप होगा। एसपी थ्री में जब आपको अमोनिया वाला शेप बताया गया होगा कि एसपी थ्री में जब भी एक लोन पेयर होता है उसका शेप कैसे होता है, पिरामिडल और हाइपरमिडल। चलिए हम बना के बोर्ड पर दिखा देंगे, बस आपको ऐसे भी समझ लेना है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल एसपी टू हाइब्रिडाइज, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा, कार्बन है एसपी थ्री हाइब्रिडाइज, और पिरामिडल शेप होगा, उसी को हाइपरमिडल भी बोल देते हैं। एसपी टू में सर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, कोई लोन पेयर नहीं है तो दोनों में 120 डिग्री होगा। सर यहाँ हम लोग पढ़े हम लोग, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है तब जब लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर होने से 2.5 डिग्री घट जाता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का साइज पे डिपेंड करता है, मतलब जनरली आप याद रखिएगा कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक कंफ्यूजन होगा प्यार से यहीं पे कमेंट्स करना है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा आपका हेल्प किया जाएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें और लाइक भी करते रहें। चलिए हम इसका जो अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको आगे देखते हैं। यहाँ से ट्राइगोनल प्लेनर का ज्योमेट्री ऐसे बनाएंगे लोग, यह एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और यहाँ पे जो एक बचा होता है पी का प्योर टी से उसको हम ऐसे लोब बना लेते हैं। यहाँ भी सेम यही होगा, यहाँ भी एक लोब होगा, और इसके बीच का जो एंगल हम निकालेंगे तो यह कितना होता है, 90 डिग्री, यह परपेंडिकुलर होता है। इसमें मान लीजिए ऐसे अगर वाई से बना हुआ है तो कहाँ होगा, ऊपर होगा, एक नीचे होगा। यहाँ बनाएंगे तो यह हाइपर में निकलता है, हमारा लोन पेयर हो गया, और यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं नीचे छत्ता की तरह बना देते हैं, यह क्या कहलाएगा, हाइपरमिडल कहलाता है। हाइड्रेशन में इसको आपको डीपली पढ़ाया गया है तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा लो, आपको लेक्चर मिल जाएगा पूरा, आपको मॉडल के साथ बताएगा, जिसमें हाइपरमिडल का कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा। इस तरह से जो फिगर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर मॉडल कहते हैं, एकदम छत्ता की तरह ऐसे मूव कर रहे हैं, नीचे मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको सेम इसी तरह से बनाया गया है, लेकिन बोर्ड पे ऐसे बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इस तरह से इसको ऐसे बना देते हैं, जिसमें यह कार्डिनल कलर एक ऐसे है और एक ऊपर दिख गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, सर स्टेबिलिटी की बात करना है। तो देखिए सर हमको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, यदि इलेक्ट्रॉन कम था दोनों भी खाली था, सात और छह था, ये आठ था, इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन रिच बोले थे।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वो देने वाला दाने, जैसे मान ली भिखारी आदमी किसके साथ दोस्ती करेगा, दानी के साथ, सीधी सी बात है। आप भिखारी है तो भिखारी थोड़ी दोस्ती कीजिए, कहेगा जो हायर वो भी ले लेगा। तो याद रखिएगा भिखारी को क्या चाहिए, जो भी भिखारी वाला उसको दानी चाहिए। भिखारी क्या पसंद है, दानी। भैंस भाषण जिसमें दानी आदमी किसको खोजेगा, लो भिखारी को, कि जो काला मनी है उसको थोड़ा बहुत गोरा कर लीजिए। देखते हैं लोग जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो ज्यादा बेईमानी करते हैं, लोग मंदिर के पास जाएगा तो हमेशा वही लोग मिलेंगे लोग और दान करते हुए दिखेंगे लोग, क्योंकि उन लोगों का माइंड में भ्रम है ऐसा कि कुछ दान पुण्य कर देंगे तो थोड़ा सा पाप उप कम हो जाएगा। और दानी में भिखारी मिलता भी क्या है मंदिर के पास ही, क्योंकि भिखारी को भी पता है कि दान पुण्य करने कहाँ लोग आएगा, मंदिर के पास ही आएगा, मंदिर हो या मस्जिद हो। तो यही आपको याद रहेगा, भिखारी को क्या पसंद है, दानी, और दानी क्या पसंद है, भिखारी। जब कोई भीख लेने वाला ही नहीं होगा फिर दानी कोई बनेगा ही नहीं, और कोई दान देने वाला ना हो तो कोई भिखारी भी नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड है। तो इसलिए इन दोनों भिखारी चाहते किसको खोजेगा, दानी को। दानी हम लोग किसको कहते हैं, जो प्लस ग्रुप लिखा मतलब किसी के नाम में और प्लस लग जाए तो वो सब दानी का लगेगा, प्लस ग्रुप दानी, और माइनस ग्रुप भिखारी। ये सब आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। सर प्लस में क्या हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, प्लस एम हो सकता है, और प्लस एच हो सकता है, ये सब दानी ग्रुप होते हैं। सेम ही तरह से माइनस आई हो सकता है, माइनस एच एम हो सकता है, और माइनस एच हो सकता है, ये सब क्या होंगे, भिखारी होंगे। अभी हम लोग मेनली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। इसलिए पूछा जाएगा कि थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी क्या होगा, तो प्लस आई मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस वाला के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर इसका मतलब जिसका प्लस आई टेंडेंसी जितना अच्छा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा करेगा, और जिस यहाँ भी सेम वही होगा कार्बोकेटायन में, कार्बोनेन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो तो दानी पहले से था तो उसको दिखाना चाहिए। तो माइनस आई जितना ही अच्छा जुड़ेगा उसके साथ में उसका स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। तो आपको क्या रखना है, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल प्लस आई के डायरेक्टली होते हैं और माइनस आई के इनवर्सली होते हैं। और यहाँ दो को पॉइंट ऐसे याद रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट काम क्या है, बीच वाला स्टेप, बीच में बस बीच वाला थोड़ा देर के लिए बनता है। तो जितना इंटरमीडिएट पढ़ेंगे सब हाईली अनस्टेबल होते हैं और मोड रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होता है। नोट हो गया होगा, आइए अभी हम लोग देखते हैं प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रहना है सर, प्लस आई किसको कहेंगे ना, जो दानी होगा दान कर सकता है, और माइनस आई किसको कहेंगे, जो भिखारी होगा छीन सकता है। बस इतना याद रखना है, मतलब प्लस आई ग्रुप क्या होगा सर, दानी होगा, और सर माइनस आई ग्रुप क्या होगा, भिखारी होगा। सर केमिस्ट्री में हमको पता है कि दानी कौन होता है सर, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग दानी कहते हैं, और जिसे सर प्लस चार्ज होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, भिखारी मानते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि और नहीं अच्छे से समझिएगा तो यहाँ पे गलती करते हैं लोग, प्लस चार्ज देखते हैं तो कहते हैं कि वो प्लस आई होगा, माइनस चार्ज देखते हैं तो मान लेते हैं लोग माइनस होगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। सर माइनस है यानी कि दान करने वाला है यानी कि प्लस आई ग्रुप का लगेगा, सर प्लस चार्ज है यानी कि भिखारी आएगा माइनस आई ग्रुप के कैटेगरी में आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझ में आया आपको, ठीक है। लेकिन सर देखिए यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। इस तीन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर किसका ज्यादा कैटेगरी होगा, मतलब कौन जल्दी दान देगा। ऐसे तो आपको ऑर्डर लिखा हुआ है, अभी आपको उस पर फोकस नहीं करना है, अभी आपको ये करना है कि मान लीजिए इस तीनों में से कौन अच्छा दानी होगा, ठीक है। तो ऐसा समझना है कि मान लीजिए तीन वो लड़का है ए बी सी, सर माइनस कब आया होगा, जब तीनों ने चोरी किया होगा, क्योंकि माइनस का मतलब ही होता है कहीं से लेके आया, अपने तो था नहीं। तो मान लीजिए तीनों का किया, तीनों जाकर के कहीं से मार्केट से एक और मोबाइल फोन चुरा लिया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, ये भी गया और ये भी जाकर कहीं से एक फोन चुरा लिया, और ये भी मान लीजिए गया, ये भी कहीं से एक फोन चुरा करके ला लिया। ध्यान में सुनिएगा, यहाँ से कोई और तीनों क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह बेचारा
यही केवल चोर है, मतलब इसके घर में कोई चोर नहीं है, यह मजबूरी में चोरी किया हुआ है। मान लीजिए ये क्या था, ये मार्केट में जा रहा था, इसका कोई मोबाइल लेके भाग गया, ये क्या किया उस कंडीशन में भी किसी का लेके भाग गया, मतलब की कहते हैं ना कि अथी जिसमें एक के बदला दूसरा, वैसे ये काम किया है। यह लेकिन क्या किया है, जिसमें इसको लालच आ गया, ये थोड़ा बहुत मान लीजिए कभी कभी चोरी कर लेता है, मतलब यह फर्स्ट टाइम चोरी किया, यह कभी कभी चोरी कर लेता है, मतलब इसके भी घर वाला चोर नहीं है, मतलब उसके घर वाला उतना डेंजर में नहीं है, मतलब इसको पता है कि चलो और पता भी लगेगा तो थोड़ा बहुत मतलब झेल सकते हैं, टेंशन नहीं है, लेकिन इसके घर वाले बहुत सख्त है और इनके इसको पता है कि घर वाले को पता चलेगा तो मेरा गोदन कुटा जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, इसके मतलब कि तो खुद चोर है, इसके पूरा फैमिली ही चोर है, मतलब कि इसके घर में सब लोग चोरी है, कोई टेंशन नहीं है इसको। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए जो फोन है कौन जल्दी अपने किसी के साथ बेचना चाहेगा, मतलब किसी को दान देने की बात होगा या बेचने की बात होगा, तो कौन लड़का इसमें से है जो जल्दी बेचेगा। सर देखिए और हम लोग अच्छे से सोचे तो सर ये क्या आया होगा, ये चोरी करके आया, घर वाला सब लोग चोरी है तो उसको तो इनाम मिलेगा, क्या बेटा ने कुछ अच्छा काम करके आया है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसको भी अपने घर वाला से थोड़ा बहुत डर तो है, लेकिन फिर भी उतना डर नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि चलो घर वाला मैं झेल लेंगे लोग। लेकिन इसको क्या है सर, इसको तो अच्छे कैसे डर होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम, एक तो फर्स्ट टाइम चोरी किया तो डर रहा होगा, दूसरा घर वाला भी सख्त है, इसको पता लगेगा कि घर में पता लगेगा तो पिटाई होगा, यानी कि क्या होगा, मान लीजिए चुरा के लाया और कोई इसको थोड़ा बहुत भी कम भी पैसा देगा सोचेंगे चलो बेच के खरीद लेते हैं, मतलब यह लड़का क्या होगा जल्दी देने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू इन दोनों में, इन दोनों में देखा जाएगा तो भी कम जल्दी देगा, यही जल्दी देगा क्योंकि उसका घर में इनाम मिलेगा। यहाँ से हमने क्या देखा लोग सर, जिसका माइनस चार्ज जो आ रहा है, मतलब चोरी वाला सामान जिसपे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका देने का पावर ज्यादा होता है, यानी कि जो चोर होगा वो जल्दी नहीं देगा, जो शरीफ होगा वो जल्दी देगा। चोर और शरीफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी। सर हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का लिखा था कितना 2.5, नाइट्रोजन का 3.0 और ऑक्सीजन का 3.5। तो आप यह याद रखियेगा, अभी आगे हम लोग टॉपिक लिखेंगे लोग, जो नॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। मान ली गरीब है उसके पास कपड़ा फटा भी होगा तो क्या टेंशन है, चलो खुशी रहेगा। अमीर लोग के पास कपड़ा पे देखते हैं थोड़ा सा दाग भी लग जाएगा तो लोग गुस्सा जाता है, और गरीब आदमी का कपड़ा फाड़ दीजिएगा तो भी उसको कोई टेंशन नहीं होता है। तो वही बस याद रखिएगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो उस पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर देखिए हम लोग क्या देखेंगे, सर देखिए सबके पास एक होगा माइनस का, ठीक है सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक 2.5, इसका 3.0, इसका 3.2, सर है क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब यह बताएगा कि किस इलेक्ट्रॉन को चोरी करने की पावर ज्यादा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो सर ये सीधा दिख रहा है कि सर इसका पावर सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है और इसका उससे कम है, लेकिन सबसे कम किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इस पे, तो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज अनस्टेबल किस पे होगा, इसी पे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम उस पे निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल यह है, उसके बाद यह होगा फिर यह होगा। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कौन कोशिश करेगा, जो ज्यादा अनस्टेबल है, सर सीधी सी बात है कि यही सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसके बाद ये आएगा, इसलिए हम लोग ऑर्डर ऐसे कर रहे हैं, नहीं इसको रटने के लिए तो ऐसे ऐसे बहाना है कि आराम से ऐसे ही रट जाएंगे, लेकिन और समझ लीजिएगा तो सपोर्ट वाले ये ना दे करके दूसरा कुछ दे दे जो कि सर पढ़ाए नहीं, तो वहां अपना माइंड लगा करके आप बता सकते हैं। यह दो पॉइंट याद रखना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ लोग माइनस चार था तो क्या देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लिया, अब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम था वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल था, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का पावर सबसे ज्यादा था, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा देगा, क्लियर है। अब सर देखिए यहाँ भी ओप माइनस चार्ज था, यहाँ भी ओप माइनस था, तो आपने इसको बाद में इसको पहले क्यों रखा, आप लोग जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, यह जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है इन दोनों पे बटा रहता है, मतलब यहाँ रियल में एक नहीं होता है 1/2 और यहाँ भी 1/2 होता है। सर इसका मतलब क्या है, एक बेचारा सी मान लीजिए खुद चोर था, इसका घर वाला भी चोर है,
एक और मतलब कि लड़का मान लिया डी है, ई चुरा के फिर यही से स्मार्टफोन लाया है, ठीक है। लेकिन ये अकेले इस पर नहीं था, इसके एक दोस्त भी था, वो भी इसके साथ दिया। और इसके भी घर वाला मान लीजिए कि पूरा घर वाला चोरी है, तो पूछा जाएगा बताइए सी और डी में पहले कौन अपना स्मार्टफोन बेचेगा। तो यहाँ पर तो टेंशन नहीं है। और मान लीजिए इनकेस घर वाला गुस्सा भी जाते हैं तो क्या कहे, कह दे हमारा नहीं ई को है, आपस में क्या कर सकते हैं, दूल्हा पति खेल सकते हैं ना। इसके घर वाला पीटेंगे तो इसको नाम ले देगा, इसके घर वाला पीटेंगे तो इसका नाम ले देगा, ई बेच रहे किसके साथ ढेलेगा। और घर वाला गलती से गुस्सा कर लो तो पीटने का तो इसी का होता है। तो वही यहाँ पे होता है कि जो मानव चाल होता है यह दोनों जगह बढ़ता है, मतलब इसके कंपेयर में इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। रेजिडेंस में आपको पूरा अच्छे से सिखा देंगे कि क्यों उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, समझ में आ गया। चलिए सर यहाँ तक समझ ले रहे, आप देखिए सर इसके बाद वाला कैसे आप समझिएगा, यहाँ तो सब कार्बन कार्बन है सर। कार्बन का हमने क्या मानते हैं, प्लस है मानते हैं, यानी कि यह देने वाला है। तो मान लीजिए ऐसे दे रहा है, यानी कि इधर से दो को मिल के दे रहा है और यहाँ से ए को दे रहा है, मतलब इसको मिल कितना साइड से रहा है, दो साइड से। सर यहाँ भी तीन को कार्बन दे रहा है लेकिन यहाँ पे देने वाला कितना साइड है, एक ही साइड है। सर ऐसा तो कुछ समझ में आया नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। जैसे मान लीजिए आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ध्यान से समझिएगा लोग, ठीक है। दोनों जगह से एक एक लाख रुपया पास हो जाएगा, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक लाख। मतलब ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कोई स्कीम चलाया गया जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो एक लाख रुपए देंगे, और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको एक लाख रुपए देंगे, आप कहाँ से फिलअप करना पसंद कीजिएगा। तो जो लोग स्मार्ट होंगे लोग वो तो समझ गए होंगे लोग, अब कुछ लोग इतना पता नहीं क्या सोच रहे, तो हमको मालूम नहीं पता, क्लास होता है तो आपका रिजल्ट हमको मिलता है। सर देखिए हम कहाँ सिलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले किसके पास भेजेगी, स्टेट के पास। और आपको तो पता है नहीं कि यार उतना ईमानदार तो लोग है नहीं कि यार यह एक लाख रुपया दे तो यह हमको एक लाख रुपया दे देगा लोग, क्योंकि यार बीच में क्या होता है बढ़ता ही आएगा। और यह एक लाख रुपया यहाँ भेजेगी तो भाई हमको कितना देंगे लोग, एक लाख, तो मतलब कि यहाँ से एक लाख और स्कीम पास हुआ है तो यहाँ एक लाख पहुंचेगा, यहाँ कितना पहुंचेगा मान लेते हैं कि 90,000 रुपया पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ तक पहुंचते आएगा तो 80,000 से 75,000 ही हमको मिल सकता है, कम्प्लीट तो नहीं मिलेगा। लेकिन सर और स्टेट गवर्नमेंट भी और एक लाख रुपया पास कर दिया तो यहाँ तो 10,000 रुपया लोग कमीशन ले आए लोग, वो कमीशन ना मिलेगा तो कमीशन हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना 90,000 से 85,000 रुपया हमको मिल सकता है। तो यहाँ मान लीजिए और इस एग्जाम्पल समझे तो 10,000 रुपए का हमको फायदा है और स्टेट से वही स्कीम पास कराते हैं तो एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां से आने से बटने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट में ईमानदारों की कितना अच्छा कैसा मतलब लिस्ट है आपको पता है। और एक रुपया है तो ऐसे आपको पता ही है कि ऐसे स्कीम में बताया गया, तो एक रुपया अगर गवर्नमेंट वहीं पास करती है तो पब्लिक के हाथ तक पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसा लगभग हो जाता है, मतलब उसमें क्या 75% हमारा बीच ही में रह जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो यहाँ हमने देखेंगे लोग सर यहाँ देने वाला कितना कार्बन है, तीन कार्बन है, लेकिन इसको दो साइड से डायरेक्ट मिल रहा है, जबकि यह क्या करेगा इसको देगा या इसको देगा तब इसको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा इसके कंपेयर में थोड़ा बहुत कम इसके पास आएगा, जब इसको यार खुद कम मिलेगा तो दूसरे को भी कम ही देगा ना, इसको दोनों साइड से मिल रहा है यानी कि इसको ज्यादा मिलेगा तो दूसरे को भी क्या होगा ज्यादा होगा। यानी कि हमने आपको यहाँ पे यह सिखाना चाह रहे हैं कि जितना अधिक साइड से सेंट्रल एटम को मिलेगा वो दूसरे को देने के लिए उतना ही अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक और साइड ला देते लोग ये और जल्दी देगा एज कम्पेयर टू उसके, समझ गए हैं, जितना ज्यादा साइड से मिलेगा उतना अच्छा आई इफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद देखिए सर वहाँ चार कार्बन थे यहाँ तीन कार्बन है, तो उससे तो पहले आएगा यही तो पक्का, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपया पास हो जाता है यहाँ पे 1 ही लाख रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही पास करेंगे, क्योंकि वहां से 1,25,000 1,10,000 तक हम इसको मिल ही सकता है, यहाँ पे 1 लाख से कम मिलने की संभावना, क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ेगा तो देने का पावर बढ़ जाता है, यहाँ पे सर देने वाला कितना एक ही कार्बन है तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है तो और कम होगा, यहाँ सर कार्बन दे ही नहीं रहे यहाँ पे देने वाला कम होगा इसको हाइड्रोजन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन घटेगा तो इसका देने का पावर भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। और सर टी मतलब क्या होता है, सर ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है,
हाइड्रोजन में तीन को ऐसे टॉप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H3 का नाम क्या होता है? T4 ट्रिटियम। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका हम सिंपल में H या P लिख देते हैं। तो सर जिसका मान लिया कैपेसिटी ज्यादा है देने का वही ज्यादा देगा, यानी 3 है 2 है इसका 1 है, कौन ज्यादा देगा? 3 वाला। इसका ऑर्डर देगा TDH। नेक्स्ट वन में आएगा तो प्यार से यार कमेंट्स कीजिएगा लोग, नेक्स्ट जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आज ही कमेंट कर दीजिएगा लोग, क्योंकि कल जब लेक्चर बनाया जाए तो आपको फिर से इसको समझा के तो आगे बढ़ाएंगे, और समझ में आ गया होगा तो इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने से तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और देखिए होता क्या है, रेगुलर वीडियो आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा, कभी नेट का इश्यू होता है इसलिए वीडियो मान लिया आज बन गया अपलोड नहीं हो पाता इसलिए आपको नहीं मिल पाता है, मतलब वीडियो आपको अप्रॉक्स रेगुलर ही मिलेगा नेट का इश्यू ना हो तो। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या होगा, NF3+ है, क्योंकि आपको जो लगता होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक वीडियो को अपलोड करने में अप्रॉक्स 5 to 6 GB लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि उतना MB कहाँ से लाया जाता होगा, तो रियल में इसीलिए कभी कभी वीडियो मतलब आपको डेली नहीं मिल पाता है। तो हमने अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है NF3+ है, यहाँ NR3+ है और यहाँ पे NH3+ है। पहले अगर इधर छोड़ देना है, यहाँ से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किसका आई का पावर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ आप क्या देख रहे हो माइनस, क्योंकि प्लस चल रहे तो यहाँ खींचने वाला देखेंगे लोग, तो अब यही आपको क्या करना है, यहाँ NF3+ है, NR3+ और NH3+ है, तो पहले इन दोनों को डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से किसका खींचने का पावर ज्यादा होगा। अब यार आपको तो इतना पता ही होगा कि पूरा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा भिखारी कौन होता है, एक, उससे बड़ा चोर तो कोई है नहीं। तो सर हम लोग देखेंगे लोग, इसको मिटा रहे हैं स्क्रीन शॉट आप लोग पहले कर लीजिएगा, नहीं के बोला थोड़ा सा बैक आके कर लीजिएगा। ये एक एन के साथ एफ जुड़ा हुआ और एक एन के साथ आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको समझिएगा ध्यान से सर, यहाँ सेंटर में चोरी करने वाला कौन है, एन है, यहाँ भी सेंटर में चोरी करने वाला एन है, मतलब दोनों जगह सर बीच वाला जो एटम है वो बिल्कुल सेम है। तो यह सीधी सी बात है, इस चोरी इसका जो करने का पावर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन जीतेगा, इसके दोस्त पे। आप सर देखिए यहाँ दोस्त इसका कौन है, फ्लोरीन है, जो कि पूरा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चोर है। सर यहाँ कौन है, आर ग्रुप है, जो कि सर एक प्लस आई ग्रुप होता है, सर प्लस मतलब ये देने वाला है। सर देखिए एक जगह तक खींचने वाला ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि एक जगह चोरी करना, अब ऐसे सोचिए ना कि बेचारा कहीं चुरा कर लाया है, छोड़ेगा इससे चुरा लेगा, यानी कि इसके चोरी करने की जो पावर है और बढ़ाते रहे बढ़ा ही रहेगा, घटाने की संभावना ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, चोरी करने का पावर देख के कुछ ना कुछ तो उसे कम कर रहे, जैसे मान लिया आपको भूख लगा है, आपका दोस्त एक आया वो आपसे भी ज्यादा भूखा था, आप कहीं से मान लीजिए किसी से मांग मांग के 2-4 रोटी लाए, तो क्या होगा जैसे ही देखेगा वो आपसे पहले बेचारा ले खा जाएगा। लेकिन वही कोई आपका ऐसा दोस्त है जो पहले से भर पेट खाया हुआ था, उसके पास खाने वाला पकेट वाले बिस्कुट और बिस्कुट भी लेकर के आया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, बोलेगा यार देखना भूख लगा है, तो आपका कोई छीनेगा तो नहीं, वो क्या करेगा कहेगा लो दोस्त खा लो, मतलब जो उसके पास होगा खिला देगा। तो यही यहाँ होता है, यहाँ फ्लोरिन क्या करेगा, ये तो खुद परेशान है अपनी जिंदगी से, तो यार जो भी ये बेचारा कहीं से लाएगा भी तो छीन के खा जाएगा। लेकिन यह क्या है, देने वाला है, तो इसको जो भी भूख वूख लगा है थोड़ा बहुत कोशिश करेगा कि चलो दोस्त कम कर देते हैं। तीसरी देखिए यहाँ पे इसका भूख कम हो जाएगा, जब इसका भूख कम होगा यानी कि इसका खींचने का पावर घट जाएगा, मान लिया इनका भूख कम है तो आप किसी से जल्दी मांगने की कोशिश थोड़ी कीजिएगा, चले चलो यार काम चला लेते हैं। यहाँ पर इसका भूख और बढ़ रहा है, यानी कि क्या जाएगा जल्दी से जल्दी किसी से मांगने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए क्या होता है ऑर्डर में सबसे पहले NF3 आएगा। सर देखिए यहाँ NH3 है और NR3, आइए थोड़ा इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। यहाँ NH3 मतलब एस से हो गया, यहाँ प्लस चार लिख दीजिए, यहाँ NR3 मतलब N4 सर तो ठीक है, R मतलब कम से कम एक CH3 होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम तो मिथाइल होगा, कुछ ऐसा सोचिए ना, जैसे मान लीजिए एक जगह पे आपके मतलब कि PM आ जाए
और उसी जगह पे आपके सीएम भी आ जाए, मतलब कि बुझे कि सेम टाइम सेम इस जगह पे, जैसे मान ली एक ही जगह पे दो स्टेडियम, ठीक है, एक स्टेडियम में पीएम आ गए, एक स्टेडियम में सीएम आ गए, और जिसमें दोनों मान ली सेम टाइम में आए, मीटिंग स्टार्ट है और पीएम ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास जो आता है उसको 1.5 लाख रुपया देते हैं, सीएम ने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास जो आएगा उसको 1.25 लाख रुपए मालिक देते हैं, ठीक है, ऐसे तो आपको पता है कि ज्यादा कौन है 1.5 या तो कम है, सबको पता है। आप मान लीजिए क्या हुआ, यह मीटिंग आपको बाद में पता चला कि पीएम ने और सीएम ऐसा ऑर्डर करा है, मतलब कि एक मान ली ऑफर रखे हुए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा किसके पास दीजिएगा, लेट से जब आप पहुंचेगा तो कहां पे आप दीजिएगा। यहाँ पे अपने क्लास का रिजल्ट बता रहा है, क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट का दिमाग में क्या होता है कि सर इसमें क्या सोचना है, 1.5 लाख है या 1.25 लाख, तो सीधी सी बात है सर पीएम के पास जाएंगे। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, सीएम के पास जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, उसको आप स्मार्ट बोल रहे हैं, हम लोग तो उसको गधा बोलते थे क्योंकि सीधा सीधा 25,000 का उसको लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बोले कि सेम टाइम में दोनों आदमी आए लो और स्पेस भी मतलब प्लेस भी सेम ही है, जगह भी आसे पास है, आप लेट से जा रहे हैं तो आपको तो इतना पता है कि आप ही की तरफ सब लोग सोच रहा होगा कि यहाँ 1,50,000 रुपया मिल रहा है, जो कि यहाँ 1,25,000 रुपया मिल रहा है, तो मैक्सिमम भीड़ कहाँ होने की संभावना है, पीएम के पास। यहाँ तो यार कोई जाएगा नहीं, जो थोड़ा बहुत लोग होगा मतलब कि सीएम का चमचा लोग कह सकते हैं, जो इनका पर्सनल लोग होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो शायद पहले से इतना भीड़ होगा कि आप पीएम के पास पहुंच ही नहीं पाइए, लेकिन यहाँ आप जाइएगा तो कन्फर्म है कि आप सीएम के पास पहुंच जाइएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या सिखाया जा रहा है कि यहाँ से मिलने की चांस तो पैसा मतलब कम मिलेगा लेकिन मिलने का चांस ज्यादा है, यहाँ पैसा मिलेगा ज्यादा लेकिन मिलने की चांसेस क्या है, कम है, ठीक है। वहीं पे यहाँ भी होता है सर, हमको पता है कि एच भी प्लस आई ग्रुप होगा, ठीक है, और आर भी मतलब कि सी एच थ्री भी प्लस आई ग्रुप ही होता है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस चार्ज है, ये सबको पता है। लेकिन सर देखिए देने के पावर देखेंगे तो किसके ज्यादा होता है, सी एच थ्री का, तो सर नाइट्रोजन का भूख भी ज्यादा मिटा होगा। मान लिए हम यहाँ थे, अब तीन गो दोस्त है, तीनों एक एक मान लिए हमको बिस्कुट लाके दे दिए, मतलब एक एक पॉकेट बिस्कुट लाके दे दिए, और यहाँ पे तीन गो आए और तीनों एक एक बिस्कुट लाके हमको दिया, तो भूख हमारे कहाँ कम मिटेगा, जहाँ एक एक पॉकेट खाएंगे तीन पॉकेट खा लेंगे, यहाँ तो एक और बिस्कुट वगैरह खाते हैं तो एक पॉकेट बनेगा मात्र तीन गो बिस्कुट होगा। यह सबको पता है कि यहाँ पे भूख कम मतलब ज्यादा मिट जाएगा, मतलब भूख कम बचा यानी कि खींचने का पावर घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा यह होता है कि यहाँ ये जो दोस्त हमारा है देने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं है, सब छोटा छोटा है, आके यार मेरे मुंह में भी खिला सकता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका साइज बड़ा है, यानी कि आपस में तीनों का साइज क्या होता है, ये सबके साथ एक तो नाइट्रोजन छोटू सा है, सेकेंड ग्रेड एलिमेंट है, उसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और सबके साथ तीन तीन गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इतना मोटू सा हो जाता है और इतना इसके आसपास क्राउडिंग हो जाता है कि देना तो चाहता है नाइट्रोजन को लेकिन दे नहीं पाता है, अच्छे से इसको नहीं दे पाता है, यानी कि देखा गया प्रैक्टिकली इससे इसका भूख ज्यादा बच जाता है, खींचने का पावर इसी का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, मतलब आपको समझाने के लिए कोशिश की क्यों ऐसा होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे इससे इसका भूख ज्यादा बचा रहता है, होना चाहिए था कुछ और लेकिन होता है कुछ और, इसीलिए एनआर थ्री प्लस पहले आता है एनएच से। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए इसको हटा देते हैं और ए को यहाँ पे चला देते हैं तो अब यार क्या होगा, अब एक ही के कारण से मान लीजिए दो साइड बड़ा बड़ा ग्रुप है, एक साइड छोटा है, यानी कि इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए देखा जैसे ही ये वो एक भी ए चाहता है यानी कि इसका देने का पार्ट जितना था उतना दे देगा, यानी कि इसका भूख कम कर देता है, तो यह एनएचआर टू हो या एनआर मतलब एनएचआर टू हो या दोनों इससे बाद में आएगा। सर यहाँ पे आर एक वाला पहले मतलब क्या है आर दो आर वाला बाद में, क्योंकि इसका देने के पार एच का आर से ज्यादा होता है, यह दोनों मिलने मतलब कि नहीं आता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक आपको याद रखना चाहिए सर, होना यह पहले चाहिए था इससे मतलब बाद में होना चाहिए था, यह पहले नहीं चाहिए था यह बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होता है ड्यू टू क्राउडिंग, ठीक है। और यहाँ तो समझना ही नहीं, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा चोर ग्रुप जुड़ा हुआ है,
उसके बाद सर देखिए इसको तो याद कर लीजिएगा लोग, उसके बाद एनओ टू आएगा, फिर सल्फोनिक एसिड आएगा और तब साइनाइड आएगा। ये अपना मतलब के लिखाने का स्टाइल क्या, जैसे मैं जितना लिखा है इतना याद कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा, मतलब 99% क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। सर हमने बुक में देखा था कि एकदम एक ही लाइन से लिखाया हुआ था, आपने इसको ब्रेक करके लिखे, जैसे इसका अलग हो गया, फिर यह तीन हो गए एक साथ लिख गए, फिर यह चार हो गए एक साथ लिख गए, फिर यह तीन हो गए एक साथ लिख गए, फिर यह तीन हो गए एक साथ लिख गए, मतलब हमने इसको तोड़ तोड़ कर लिखा है। बुक में इसी क्या करता है, एकदम लाइन से लिखते चला जाता है, तो ऐसे यार आपको देख के डर लगता है, याद करना तो अलग बात है, ऐसे आपको थोड़ा सा देख के तसल्ली होगा कि छोटा छोटा याद हो जाएगा, रियल में याद हो जाएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा, वैसे आप याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखिए, इतना सबको बोलते रहे, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। सर करना क्या है, जो ऊपर होगा ज्यादा सीनियर होगा, जो उसके नीचे होगा उसके बाद सीनियर होगा, जो उसके नीचे आएगा उसके बाद, मतलब आपको सबको एक साथ ऑर्डर लिखना होगा, कुछ मत कीजिएगा, ऐसे सबको एक क्या मिला के ऊपर से नीचे खिचड़ी करके लिख दीजिएगा, वो तो ऑर्डर सेम हो जाएगा, क्लियर है। हम सेम वाला भी मतलब बड़ा वाला भी ऑर्डर लिखा देंगे, टेंशन नहीं है, इसी से लिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी, मतलब देखिए इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे देखिए सी डबल बन रहा है, यहाँ भी सी डबल बन रहा है और यहाँ भी सी डबल बन रहा है, यानी कि सर तीनों में सी डबल बन रहा छीनने वाला है बिल्कुल। तो सर कौन ज्यादा छीनेगा किस पे डिपेंड करेगा, इसके दोस्त पे, यानी दोस्त कौन है, एच इसको देने वाला है, यहाँ होता क्या है डेल्टा प्लस होता है या फिर डेल्टा माइनस होता है। सर यहाँ देने वाला कौन है, कीटोन है, कीटोन में क्या होगा, कम से कम कार्बन तो होगा ही, और सर यहाँ पे देने वाला कौन है, OH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि सर सबसे ज्यादा कौन दे देगा, नहीं सबसे ज्यादा देने का पावर देखेगा, तो सबसे ज्यादा देने का पावर किसका होगा, OH का, क्योंकि उसके पास तो लोन पेयर है, सर प्यार से जितना मांगेगा उतना दे सकता है, वो तो फ्री उसके पास बैठा हुआ, लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सर कार्बन है ये भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा सर देगा तो इसका डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, इसीलिए उसे खींचने का पावर भी कम हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और एडेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे रख दिया गया है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले क्लोरीन फिर उसके बाद फिर ब्रोमीन फिर एडेन, ऐसे इसको याद रख लिया, HCl BrI। यहाँ देखिए सर खींचने वाला कौन है, यहाँ वो है यहाँ भी वो है, बट यहाँ देने वाला कौन है, आर इसको देकर कम कर देगा, ये यहाँ तो सर खींचने वाला है 3.0 नाइट्रोजन, उसका तो खींचने का पावर ही कम होता है, इसलिए वो बाहर देगा। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, एल्कोहल इथर फिर एमिन, एल्कोहल इथर फिर एमिन, एल्कोहल इथर फिर एमिन, इस तरह से तो यार याद करना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको बस माइनस में इतना याद रहे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका खींचने का पावर ज्यादा, याद करने की जरूरत जरूरी ही नहीं लगेगा, उससे आप काम चला लीजिए। हाँ लेकिन रट लीजिएगा तो बेटर होगा कि जल्दी समझ में और आएगा, अब बार बार कंपेयर करेंगे या उससे बेटर है कि याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। और लास्ट में सर आपको बताया था जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव 3.525 होता है, सर यहाँ पे 2.75 होता है, यहाँ भी 2.75 होता है, लेकिन बेंजीन का खींचने का पावर देखा गया है कि डबल बॉन्ड वाला से ज्यादा होता है, ड्यू टू यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सर सबको साथ खिचड़ी मिला के ऑर्डर लिखा दीजिए, आइए हम उसको भी लिखा देते हैं। स्कीम सर कर लिए होंगे लोग, देखिए फ्रेश स्कीम सर क्या करना है, बैक में जाइएगा लोग, जहाँ से लिखे तो वहीं से कर लीजिएगा, ये तो समझाए यहाँ भी कर लीजिएगा लोग, और कोशिश कीजिए यार कॉपी बनाने के लिए। नहीं अब आपको खिचड़ी बना कैसे लेना है, जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, NH3+ उसके बाद से सर क्या हो जाएगा NH3+ फिर से क्या हो जाएगा NH3+ इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा ही नहीं होता है, डायरेक्ट NO2 लिख देते हैं, फिर सर SO3 हो जाएगा, फिर से सर CN हो जाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड हो जाएगा, उसके बाद सर कीटोन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दे जिसमें कार्बोक्सिलिक पहले एसिड हैलाइड हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ एसिड हैलाइड कम यूज होता है, इसलिए बुक में जनरल नहीं लिखा रहता है, आपको लिखा दे रहे हैं आपको ही जाएगा तो देख लीजिएगा लोग। उसके बाद कार्बोक्सिलिक, उसके बाद आपको और याद हो ईस्टर, याद होगा तो ईस्टर लिख दीजिएगा, एसिड एमाइड बॉन्ड रहे तो एसिड एमाइड, बस यहाँ पे क्या करना, देखिए सी डबल बॉन्ड वाला सेम कर दिया, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोग जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको जोड़ते जाइए घटा दीजिए, ये सब मेनली कम ही होता है, यहाँ जितना लिखे वही दे। उसके बाद क्या हो जाएगा एफ सी एल
बी आर और फिर आई, इसमें कोई आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ले देना है OH हो जाएगा, फिर ओ आर हो जाएगा। NH2 नहीं आता क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3.0, इसका कितना लिखा है 3.5, तो यह बस पॉलर है। यहीं पे कोई एक्सेप्शन मतलब कि आपको वेरिएबल होता है। उसके बाद NH2 हो जाएगा, फिर से बेंजीन रिंग हो जाएगा और फिर से CH1CH2। तो देखिए दोस्त, और ऐसे ब्रेक करके याद करते हैं तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसे याद कीजिएगा तो पक्का करिएगा, 5 बार का 50 बार पढ़ लीजिए, आज याद कीजिएगा कल भुला जाएगा। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और टेंशन फ्री रहिएगा। सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है, जिसपे प्लस चार्ज होगा वो माइनस आई का काम करेगा, जिसपे माइनस चार्ज होगा वो प्लस आई का काम करेगा, जिसपे निगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा वो ज्यादा प्लस आई होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल होगा वो प्लस मतलब माइनस अच्छा आई होगा। कंपेयर कैसे करना है उसको खुद देखना है, उसके दोस्त को देखना है। देने का पड़ जाता है यानी कि अच्छा प्लस आई है, खींचने का पड़ जाता है यानी कि वो अच्छा माइनस आई है। बस आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा माइनस आई होगा, जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा प्लस आई होगा। इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए, दो को होमवर्क दे देते हैं, आपको कंपेयर करके हमको बताना है कि वह कौन अच्छा होगा। मान लीजिए CH3+ इसका CH2+ और CR2+ एगो CF2+ इसका माइनस आई का आपका ऑर्डर होता है। देखने जाते हैं कौन सही बना के भेजता है। और दूसरा क्वेश्चन दे दिए, इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बस देखिए आप लोग कमेंट करने के लिए कैसे फिगर बनाए कमेंट कर नहीं सकते हैं। फिगर बनाए के अगर आपको कमेंट करने का मन है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिएगा उस पर भेज दीजिएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना है। जैसे 1, 2, 3 लिख सकते हैं, या फिर 2, 3, 1 लिख सकते हैं, या फिर 3, 2, 1 मतलब आपको जो इसमें से लगे क्या अच्छा है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसको पहले से कम होगा उसके बाद आपके क्या बताए है। और प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर अच्छे से नहीं समझा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर फिर से इसको एक बार समझा दीजिएगा, जब नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल अपना राय न देना ना भूलें। ओके थैंक यू।